से ये सब तूने किया है ना? साबित कर सकती है तू? साबित तो नहीं कर सकती। ठीक है फिर, जब साबित नहीं कर सकती तो मैंने कुछ नहीं किया। सुन, सॉरी, तू मुझसे नाराज है ना? मुझे पता है रूप, मैंने तुझे बहुत चोट पहुंचाई है। मेरी वजह से तुझे कितना दुख हुआ है शायद इसका अंदाजा भी मैं नहीं लगा सकती। तू प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। बस अब तू सुन, हाँ मैं हूं तुझसे नाराज, और एक और बात सुन, मैं ना तेरी मीठी मीठी बातों में ना तू बिल्कुल भी नहीं आने वाली। लेकिन रूप, मेरी क्या रूप? हाँ तू कहीं भी जाए, कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को फर्क पड़ेगा भी तो क्या तेरा एक सॉरी सब कुछ ठीक कर देगा? क्या है ना दी, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। तूने मम्मी जी पापा जी के सामने थोड़े आंसू भाए, चप्पी मार ली और बस हो गया, लेकिन मेरे सामने ये सब नाटक नहीं चलेगा। मैं गुस्सा हूँ और मैं गुस्सा ही रहूंगी। सब कुछ मैंने सहाय दी, मैंने। तू तो भागी थी ना रणवीर के पीछे लंदन, और अगर तुझे लगता है तो ऐसे बड़ों वाली बातें करेगी और मैं बच्चों की तरह मान जाऊंगी तो तू गलत है, एकदम गलत। क्या हो गया बूजी, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? अब क्या बताऊं रूप को क्या हो गया? साहिबा, रूप की पढ़ाई बंद कर दी गई है। क्या? ये तो कुछ भी नहीं है, घर वाले तो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। रिश्ता रूप के लिए? पर वो तो अभी बहुत छोटी है ना। जी ऐसा नहीं कर सकते। बेबे तो कर सकती है ना साहिबा, तू जानती है ना बेबे को। तो क्या रूप की पढ़ाई बेबे ने रुकवाई है? हाँ। देख साहिबा, तेरे चले जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो इतनी आजादी अपनी दूसरी बेटी को भी देंगे तो कहीं वो भी, उन्होंने तो ये फैसला भी किया कि जब तक वो रूप को विदा नहीं कर देते वो उसे इस घर से बाहर तक नहीं निकलने देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है बूजी, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं भी घर से इसलिए भागी थी क्योंकि मेरा रिश्ता भी वो जबरदस्ती किसी और के साथ तय कर रहे थे, और अब रूप उस बेचारी को घर में बंद कर दिया तो पता नहीं वो बेचारी क्या करेगी। ये सही नहीं है बूजी, पर मेरी गलती की सजा बेचारी रूप को क्यों? पता नहीं साहिबा, अब तू जल्दी से तैयार हो जा और नीचे आ जा, सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। कैसे बताऊं बूजी आपको, मेरी एक गलती की वजह से पता नहीं क्या क्या हो गया, अब ये सब ठीक करना चाहूं भी तो कैसे करूं, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, आपको एक तो लेना ही होगा, लीजिए। नहीं बस मैं एक साहिबा के लिए लीजिए। प्राजी आपने तो कुछ लिया ही नहीं, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी क्या? ओ जी नहीं वो तो बस ऐसे ही। प्राजी शर्माइए मत, अपना ही घर समझिए, आप इनसे कुछ कहिए ना। हाँ, अब बच्चों से गलती हो ही गई है,
वो सुधारना तो चाह ही रहे हैं ना, एक मौका तो देना चाहिए था। नहीं जी, वो साहिबा मेरी वजह से घर से गई थी, मेरे लिए गई थी, गलती मैंने की है तो मैं ही सुधारूंगा। आप सबसे माफी मांगता हूं, माफ कर दीजिए मुझे और अपनी बेटी मुझे सौंप दीजिए। पूरी विधि और सम्मान के साथ उसे लेकर जाऊंगा अपने घर, जो उसकी सही जगह है। हाय रब्बा, साहिबा, ओए पुत्र, आंखें तरस गई थी तुझे देखने वास्ते पुत्र, तू तो अब भी उतनी सोहनी लग रही है साहिबा, रब करे किसी की ना नजर ना लगे मेरी साहिबा। सच साहिबा, मेरे रणबीर के लिए तुझसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकती, और वैसे भी कौन करता इस गधे से इतना प्यार। ओ प्राजी, परजाई जी, ओ मैं सोच रही सी गे के हुन ना सानू देर नहीं करनी चाहिदी, ओ जितनी जल्दी हो सके ना इना दोनिया देना फेरे करा देने चाहिए। लंदन में तो इन्होंने सब रस्में पूरी ही कर ली होंगी, है ना पुत्र? हम तो बस ना अपनी आंखों से अपनी साहिबा को दुल्हन बने देखना चाहते हैं जी। दुल्हन तो ये बनी ही थी, और तूने तो इसे देखा भी था हरजोत। हाँ तो कोई गल नहीं बेबे, एक बार फिर बन जाएगी। मेरा मतलब है सारी रस्में एक बार फिर हो जाए तो अच्छा है ना, सब रस्में हो जाएंगी तो सब पिंड वालों के मुंह भी बंद हो जाएंगे बेबे। हम तो बस यही सोच रहे थे कि हमारी साहिबा बस अब जल्दी से हमारे कार आ जाए जी। बेटी तो हमें विदा करनी है जी, लेकिन इतने दिनों के बाद घर लौटी है, कुछ दिन रुक जाती तो। जी नहीं, शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। इतनी जल्दी तुमने पहले की होती ना तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। ये नौबत तो आनी थी ना, कह के गया था इंतजार करना, लेकिन अब आ गया हूं तो लेकर ही जाऊंगा। सामान बांध ले अपना। अब चुप भी करो, बड़े बूढ़ों का भी लिहाज करना चाहिए। माफ करना बेबे, तो बेबे कान तरस गए ना दी गल्ला सुनन वास्ते। कोई बेबे जब यहाँ थे ना तो इसी तरह चिक चिक करके लड़ते ही रहते थे सारा दिन, और जब यहाँ से गए तो जैसे सब कुछ खामोश हो गया बेबे। परजाई जी, हुण तो ना तुसी बस अपने दमाद दी गल सुनो और जल्दी से ना इन दोनों का ब्याह कर दो, तभी सबको चैन मिलेगा। परचाई जी ठीक है जी,
अगर बच्चों की यही मर्जी है तो यही सही। परसों बुधवार है, अगर सबको ठीक लगता है तो ठीक है। चंगा जी, तो सब कुछ ठीक है ना जी? और अब जब पंचों ने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत क्या है, हैं? तो ठीक है कि नहीं? अब कर्नल, अगर कुछ लेन देने की बात है तो ओ नाना प्राची, नाना तुसी किस तरह की गल्ला कर रहे हो? तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी साहिबा को तो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं ना जी, इससे बड़ी और चीज हमारे लिए क्या हो सकती है प्राची? जी, तो बड़ी देर से इंतजार कर रही थी कि तू मेरी बहू बनकर हमारे घर आ जाए। पुत्र अगर मेरी बेटी भी होती ना तो भी मैं सबसे ज्यादा तुझे ही प्यार करती। रबती सो साहिबा। देख ले साहिबा, उस घर जाकर अपनी अपनी मम्मी जी को भूल मत जाना। ये साहिबा को क्या हो गया है? पता नहीं क्या सोच जा रही है। चंगा जी बेबे, हुन मैं चल दी हाँ, ते मैनू तैयारियां शैरियां भी करनी है। अच्छा प्राजी, सस्री अकाल जी, चलें जी। देखना पुत्र, ये सब साहिबा के लिए है। चंगा है ना? अच्छा है माँ। मैं सोच रहा था कि खुद ही अपनी पसंद की उसके लिए लेकर आऊं। हाँ, ओए चंगा पुत्र, चंगा, तू फिकर ना कर, मैं ना ये सब वापस कर दूंगी, ठीक है? चल। माँ एक सेकंड आया। कॉल मिस हो गया, उसे पता चल जाएगा इंडिया में हूँ मैं। इस नंबर पे सानू बिजी कॉल मिल रही है। क्या करूँ? रॉनी, तुम इंडिया में क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि लंदन में तुम्हारे पास बहुत काम है। तुम्हारे पास इंडिया जाने का टाइम है, तुम मेरे साथ पेरिस नहीं आए। I'm missing you so much, मैं पागल हो जाऊंगी। हो गया, मैं बोलूंगा। बोलो। तुम्हें अपने पा के बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता ना? What? Why are you asking me all this? तुम्हारे पा का बिजनेस सिर्फ लंदन तक नहीं है, उनके प्रॉपर्टीज या इंडिया तक फैले हुए हैं। और तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना संभालने की सब कुछ, ठीक है? तुम चाहती हो तुम्हारे पास आके बैठ जाऊँ तो आ जाता हूँ, खुद ही संभाल लेना फिर सब कुछ। I'm sorry, वो मुझे लगा था कि तुम। क्या लगा तुम्हें? कि मैं यहाँ पे दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा हूँ। रॉनी, I'm really sorry. एक तो हम इतने दिनों बाद बात कर रहे हैं, उसके बाद तुम ऐसे बात करोगे तो मैं। जाय साहब, मैं बाद में फोन करता हूँ, थोड़ा बिजी हो गई। ओके, लव यू, बाय। एक बार वो लंदन वाला वकील कागजात पक्के कर दे, फिर इस पागल से भी पीछा छूट जाएगा। रब्बी सुन साहिबा, अगर मेरी बेटी भी होती ना तो भी मैं सबसे ज्यादा तुझे ही प्यार करती। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, मैं आपको और दलजीत जी को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सच्ची, प्रॉमिस। मैं कैसे छोड़ दूँ साहिबा जी, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ साहिबा जी। साइन कर, तलाक दे दादा से।
साहिबा बस कर, बस बस साहिबा बस, बहुत रो लिया अब तक। तुझे पता है तू जब घर से चली गई थी ना, तुझे याद करके मैं कितना रोई हूँ। अब कुछ तो आंसू बच जाने थे तेरी विदाई के लिए। देख अगली, तुझे तो खुश हो जाना चाहिए, तूने हम सबको गलत साबित कर दिया और ले ही आई अपने रणवीर को वापस, है ना? लेकिन साहिबा रूप की पढ़ाई बंद कर दी गई है, उन्होंने तो ये फैसला भी किया है कि जब तक वो रूप को विदा नहीं कर देते वो उसे इस घर से बाहर तक नहीं निकलने देंगे। आप लोग रूप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जो गलती मैंने की ना माँ, उसकी सजा तो मुझे मिल ही रही है ना। सजा क्यों है साहिबा? कुछ नहीं माँ, वो इतने दिन आप लोगों से दूर रही ना, बस इसीलिए। मैं तो बस ये कह रही थी माँ कि जो गलतियां मैंने की है ना, उसकी सजा बेचारी रूप को क्यों दे रही हो? उसे क्या पता था कि उसकी बहन माँ, आप तो जानती हो ना कि रूप पढ़ाई में मुझसे और दीप से कितनी अच्छी है, तो ऐसे में उसकी इतनी जल्दी शादी। साहिबा पुत्र, पुत्र ये बच्चों के समझने समझाने की बातें नहीं है बेटा। लेकिन पापा जी। बेटा बड़ों ने फैसला ले लिया ना बेटे। लेकिन ये गलत फैसला है ना। नहीं साहिबा, बेबे ने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही, हम सब ने मानना है उसको बेटे, जब अपनी शादी की तैयारियां कर। हाँ रजो जी, वो अलमारी में जो पैसे पड़े हों। पापा जी जानबूझकर मुझसे बात नहीं कर रहे, शायद अब वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहते। पापा जी भी खुश नहीं है, रूप भी खुश नहीं है, रणवीर के बाबूजी भी नाराज हैं और बेबे भी, सब में खुश है भी तो कौन। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रूप को अपनी जगह बलि नहीं चढ़ने दूंगी, कभी नहीं। रणवीर, किसका फोन था? मेरा फोन था। ओए रणवीर, और तू अपने पापा जी से ऐसे बदतमीजी से बात करेगा? हैं? अब भी तो ऐसी बात करो ना। साहिबा जी प्लीज फोन उठाओ ना, एक बार मेरा फोन उठा लो। अलजीत जी ने फोन किया होगा। ये मैं क्या कर रही हूँ? उन्हें फोन कर भी लिया तो क्या कहूंगी मैं? ये कहूंगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ पर शादी मैं रणवीर से करने वाली हूँ। नहीं, अब मैं उनके बारे में और नहीं सोच सकती, पर मैं दलजीत जी को भी तो दुखी नहीं देख सकती ना। पापा जी प्लीज प्लीज उन्हें खुश रखना, हमेशा उनका ध्यान रखना, प्लीज पापा जी। ओए साहिबा, तू यहाँ है? चलना नीचे खाना खाने, बेबे कब से बुला रही है? और वीर जी को देखा क्या, अचानक ही गायब हो गए? मुझे बताओगे यहाँ क्यों बुलाया? और वो इसलिए पाई कि मैं ये चाहता हूँ कि कुछ बातें अकेले में हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि मैं सुबह अपनी बात कह नहीं पाया, अब कह देता हूँ। भाई जे तू चाहता है कि तेरी कुड़ी साहिबा का ब्याह मेरे मुंडे रणवीर के साथ हो तो तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त?
तुझे अपनी हवेली मेरे नाम करनी। रब से